वेलकम टू सैम ब्लॉग्स। क्या हाल है आपके? जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं रिसेंटली अपने बनाए हुए DIY एक्वेरियम, जो कि बिल्कुल इजी सेटअप है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज मैं बताऊँगा आपको कि क्या डेकोरेशन लगाए हैं मैंने, कौन सा फिल्टर यूज़ किया है मैंने उसमें, और हाँ, एक सरप्राइज है आपके लिए, उसमें लगने वाली एक्वेरियम लाइट जो कि मैंने खुद बनाई है, और उसका भी अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं प्लेस करने वाला हूँ कि आप एक्वेरियम की हैवी लाइट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस में होती हैं, यू कैन मेक इट इजीली एट योर होम। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपने एक्वेरियम के पास, और तब तक एंजॉय करिए आप थोड़े से सिनेमैटिक। तो दोस्तों, एक्वेरियम के पास सीधे ले जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने एक्वेरियम के लिए अलग से बाय करी हैं, जिसमें मैं बेस्ट रिकमेंडेशन करता हूँ, जो कि ये है एक कोवो का एयर पंप। ये आपके जो भी एक्शन टॉयज होते हैं उसको चलाने के लिए, या ऑक्सीजन मशीन भी कुछ लोग इसे कहते हैं, ये हार्डली आपको मिल जाएगी 250 रुपीज़। मैंने लिया डबल नोजल, अगर आप सिंगल नोजल लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 150 रुपीज़। तो दोस्तों, अगली चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ विच इज़ एक्वेरियम फिल्टर। मैंने लिया है इंटरनल फिल्टर, उसके पीछे रीज़न ये है कि आवाज़ बहुत कम करता है और डिस्टर्बेंस आपको बिल्कुल नहीं करेगा। ये देखिए, ये लिया है मैंने इंटरनल फिल्टर, ये अराउंड आपको 200 से 250 के बीच में मिल जाएगा। इसको मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने एक्वेरियम के पास, और जैसा कि मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूँ अपना इंटरनल फिल्टर, और ये है हमारा इंटरनल फिल्टर विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी। ये है इसका स्पंज फोम जिसे आपको साफ करना है, एंड नाउ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मैं आपको ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, ये हमारा कोको कंपनी का एक्वेरियम का एयर पंप, कुछ लोग उसे ऑक्सीजन की मशीन भी बोलते हैं। ये एक्चुअल टॉय चलाने के काम आएंगे और एक्वेरियम में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के काम आएगी। तो दोस्तों, ये है मेरे ब्लॉग का सरप्राइज, जैसा कि मैं आपको पहले रिपीट कर चुका था, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने एक्वेरियम की लाइट। पहले आप देखिए एक्वेरियम की लाइट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे एक्वेरियम की लाइट, देखिए इसकी ग्रीन लाइट है, वाइट लाइट है, और मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली कितना अच्छा इफेक्ट एंबिएंट दे दी है हमने एक्वेरियम को। ये देखिए, तो फिर एक्वेरियम, अगर आप किसी भी मार्केट में अपनी लाइट लेने जाते हैं एक्वेरियम, तो ये आपकी अराउंड 300 से स्टार्ट, अगर आप पर्टिकल लाइट हो 300 से स्टार्ट होती है, थाउजेंड बस खुल जाती है। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लाइट मैंने खुद बनाई है और ये 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में तैयार होगी, और इस लाइट को बनाने का तरीका मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से लाइट दिखाता हूँ, और क्योंकि लाइट ये मैंने घर पे बनाई है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक बार बंद करके दिखाता हूँ, तो आपको इतनी समझ में आएगी कि ये मैंने बनाई है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो कि हैंडमेड लाइट, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो कि ये लाइट की। लाइट के बाद मैं आपको अब सेटअप करना जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, बहुत इजी सेटअप है इस सब चीज़ों का, मैं जल्दी से सेटअप करूँगा। करना कुछ नहीं, आपको ये सक्शन कप है जिन्हें आपको क्या है, ये बिल्कुल हटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो बताना ना भूलें कमेंट्स में अपने, कोई सजेशन हो किसी बारे में आप वीडियो जानते हो तो आई वुड रियली लव टू नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए। और आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। बेल आइकन का नीचे आइकन होगा, उसे नोटिफिकेशंस पे सेट कर लें, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इसी के साथ मैं हम विदा लेते हैं, थैंक यू।